भारत और रूस का दोस्ताना अब चांद पर भी दिखने वाला है। भारत का चंद्रयान 3 जहां अब चांद की सतह पर लैंडिंग के बेहद करीब है, तो वहीं देखिए रूस भी अब पीछे नहीं है। 47 साल बाद रूस ने अपना मून मिशन लॉन्च कर दिया है। रूस ने मून मिशन लूना 25 को लॉन्च किया और ये चांद के साउथ पोल पर उतरेगा। इस मिशन का मकसद चंद्रमा पर पानी की खोज करना है। 1976 के बाद रूस ने अब मून पर यान भेजा है और इसे अमूर ओब्लास्ट के वोस्तोनी कोस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया और ये चंद्रयान से 2 दिन पहले ही लैंडिंग कर सकता है। देखिए दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चांद की सतह के करीब पहुंचा है चंद्रयान 3। लगातार जो है इसकी दूरी कम हो रही है। 23 अगस्त का दिन यहां पर बताया जा रहा है जब इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ देखिए रूस की तरफ से भी लूना 25 जो है वो भी अब पहुंच सकता है, लेकिन चंद्रयान 3 के पहले। भारत के बाद रूस का मून मिशन। चंद्रयान 3 के पीछे लूना 25। कौन उतरेगा पहले चांद पर? चंद्रमा पर भारत को अपने दोस्त रूस से कड़ी चुनौती मिलने जा रही है। भारत के चंद्रयान 3 के पीछे पीछे रूस ने भी अपना मून मिशन लूना 25 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। ये मिशन भारत के चंद्रयान 3 से करीब 1 महीने बाद लॉन्च किया गया है। भारत का चंद्रयान 3 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। ऐसा करने के बाद भारत दुनिया के उन चंद देशों में शामिल हो जाएगा जो चंद्रमा तक पहुंचने का दम रखते हैं। हालांकि अब भारत को इस क्षेत्र में अपने पुराने दोस्त रूस से सीधी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। रूस का लूना 25 लैंडर भी सोयूज रॉकेट के जरिए चांद की तरफ रवाना हो गया है। रूस करीब 47 सालों बाद चांद पर जा रहा है। रूस ने अपने इस मिशन मून को नाम दिया है लूना 25। रूस ने लूना 25 लैंडर को अमूर क्षेत्र में वोस्तोचन अंतरिक्ष बंदरगाह से लॉन्च किया। रूसी वैज्ञानिकों का मानना है कि लूना 25 आने वाले 21 अगस्त तक चांद के साउथ पोल पर उतरेगा। रूस अपने इस मिशन में सोयूज 2.1B फ्रिगेट रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा है जो चंद्रयान 3 से कई गुना ताकतवर है। अगर लूना 25 सफलतापूर्वक चांद पर उतरता है तो वो भारत के चंद्रयान 3 से 2 दिन पहले लैंड कर जाएगा। लूना 25 लैंडर को पूरी तरह से रूस में तैयार किया गया है। ये पहली बार है जब रूस ने मून मिशन के लिए सारी तैयारी खुद की है। इससे पहले USSR सितंबर 1958 और अगस्त 1976 के बीच 24 लूना मिशन लॉन्च कर चुका है। हमने जो है GSLV Mark III के जरिए चंद्रयान 3 को 40 दिन की यात्रा में जो है चंद्रमा की धरती पर जाकर के उतारना है, लेकिन हम इसमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का सहारा लेते हैं, जिसका मतलब है कि हमारे रॉकेट को उतना बड़ा होने की जरूरत नहीं है। 4 स्टेज के रॉकेट ने लूना 25 लैंडर को धरती के बाहर एक गोलाकार ऑर्बिट में छोड़ा, जिसके बाद ये स्पेसक्राफ्ट चांद की हाईवे पर निकल गया। इस हाईवे पर ही 5 दिन की यात्रा करेगा। इसके बाद चांद के चारों तरफ 7 से 10 दिन चक्कर लगाएगा। लूना और चंद्रयान दोनों के बारे में देखें तो चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सिर्फ 2 हफ्ते काम करेगा, जबकि लूना 25 साल भर काम करेगा। रूस का लूना 25 चंद्रमा की सतह पर ऑक्सीजन की खोज करेगा और साथ ही लूना 25 चंद्रमा की आंतरिक संरचना पर भी रिसर्च करेगा। लूना में एक खास तंत्र लगा है जो सतह की 6 इंच खुदाई करके पत्थर और मिट्टी का सैंपल जमा करेगा ताकि जमे हुए पानी की खोज की जा सके। भारत का चंद्रयान 3 चांद की सतह की तस्वीरें भेजेगा, वहाँ की वातावरण, खनिज, मिट्टी से जुड़ी तमाम जानकारियों को जुटाएगा। इसका एक लक्ष्य
चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना भी है। लूना मिशन का उद्देश्य क्या है, चंद्रयान मिशन का उद्देश्य क्या है, अलग अलग है। लूना मिशन का उद्देश्य यह है, दैट इज चांद पर लैंड होके उसका एक रोबोटिक काम होगा, वो चांद में खोद करेगा, दैट इज मिट्टी को खोदेगा, उसके नीचे पानी है नहीं है ये टेस्ट करेगा, वो उसका काम है। चंद्रयान का काम क्या है, चांद के ऊपर ये मिट्टी में क्या क्या मटेरियल है, क्या क्या एलिमेंट्स है, क्या क्या मिनरल्स है, ये टेस्ट करेगा। ये दोनों अलग अलग चीज है। रूस का लूना 25 मिशन भी चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरेगा और वहां पर कई तरह के परीक्षण करेगा। इसमें प्लाज्मा की जांच और वातावरण में मौजूद धूल की कणों की जांच करेगा। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के इंटीरियर सरफेस पर रिसर्च करना और पानी सहित अन्य मिनरल्स की खोज करना होगा। माना जा रहा है कि यह लैंडर लगभग एक वर्ष तक चंद्रमा की सतह पर परीक्षण करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब आइए अब आपको समझाते हैं कि क्या वजह है कि लूना 25 चंद्रयान 3 से पहले चांद पर पहुंच सकता है। तो रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस के पास शक्तिशाली रॉकेट है और ये रॉकेट इतने पावरफुल हैं कि वो सीधे लूना 25 को चंद्रमा की सीधी कक्षा में डाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लूना 25 को पृथ्वी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। तो लूना 25 जो है वो एक अलग मिशन पर जा रहा है, वो ऑक्सीजन की खोज करेगा। चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा की सतह की तस्वीरें भेजेगा। ये दोनों ही जो रॉकेट जा रहे हैं ये अलग अलग मिशन के साथ जा रहे हैं। चंद्रमा की आंतरिक संरचना पर रिसर्च करेगा लूना 25। लंबे समय तक ये चंद्रमा की सतह पर रहेगा। वहीं अगर चंद्रयान 3 की बात करें जो भारत की तरफ से गया है, वो वातावरण, खनिज, मिट्टी से जुड़ी जानकारियां जुटाएगा। देखिए तस्वीरें भी यहां पर किस तरह से चंद्रयान 3 ने जो भेजनी शुरू कर दी है। इन दोनों ही का जो मून मिशन है और ये अलग अलग है। Z News।